हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीएसएस को सीखने के सीरीज में आज लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम बात करने वाले ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे करो सब्सक्राइब और बेल आइकन करो प्रेस, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में और सीखते हैं आज का जो लेक्चर है ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करना। तो बेसिकली ओपेसिटी प्रॉपर्टी का हम करते यूज़ क्यों है? देखिए, ओपेसिटी का हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपकी कोई भी इमेज है, अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप उसको यूज़ करेंगे ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली तो हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक img टैग इमेज टैग लेता हूँ। इस इमेज टैग में मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। src में हम सोर्स देंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पर मेरी एक इमेज है मोदी के नाम से, और इसका सिंटैक्स क्या है, jpeg, तो modi.jpeg, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पर हाइट डिफाइन कर देता हूँ 200 pixel। देन मैं इसकी विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 400 pixel, इस तरीके से 400 pixel। इसको करते हैं क्रोम में ओपन। देख, इस तरीके से हमारी इमेज लग चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से अगर मैं इस इमेज पे ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मुझे यूज़ करनी होगी ओपेसिटी प्रॉपर्टी। ओपेसिटी प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करते हैं तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1 होती है, और ओपेसिटी के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू हम एंटर करेंगे। मतलब कि 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वहाँ पर उसके बाद 1। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही इसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, यहाँ पर मैं स्टाइल टैग ओपन कर लेता हूँ, स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं img टैग लिखता हूँ, कर ले वैसे ओपन क्लोज करके। अब यहाँ पे लिखूँगा ओपेसिटी, उसके बाद जो मैं वैल्यू यहाँ पर दूंगा वो 0 से 1 के बीच में दूंगा। अगर मैं देता हूँ 1, सेव किया, देन रिफ्रेश, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर आपको शो हो रही है, कोई भी इस पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट नहीं लगा है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 0.1, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आ चुका है, ठीक है, पूरी फीकी इमेज हो चुकी है। थोड़ा सा और इसको डार्क करते हैं 0.5, इस तरीके से आपको हल्की इमेज दिख रही है, हल्का आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट भी आ गया है। अगर आप यूज़ करेंगे 0.8 तो वो आपकी पिक्चर डार्क हो जाएगी, 0 करेंगे तो पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट लग जाएगा, मतलब पूरी पिक्चर गायब। 1 करेंगे तो पूरी आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आप यूज़ करोगे वो 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू आप यूज़ करोगे डेसिमल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 0.3, इस तरीके से, तो उतनी ही ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो बेसिकली ओपेसिटी का हम यूज इसलिए करते हैं अपनी इमेज पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लगाने के लिए, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। वो 0 से 1, अगर 0.1 है तो आप 10%, 0.2 है तो 20%, 0.3 है 30%, 0.8 80%, ऐसा समझने के लिए इस वे में भी आप उसको समझ सकते हैं। तो आई होप एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और आपने इसमें सीखा ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एचटीएमएल सीएसएस में डिज़ाइनिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।